हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हाथ खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रात में तो हम बिल्कुल जल्दी सो गए थे बिकॉज क्योंकि सोने की वजह ये थी क्योंकि शोल्डर लगा कर रहा था तो मेरे शोल्डर्स वगैरह भी दर्द कर रहे थे। उससे पहले एक दिन बैग लगाई थी तो बैग भी दर्द कर रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, हम अब उठ चुके हैं तो सैरी का वक्त हो रहा है तो अब सैरी करेंगे क्योंकि आज माशाल्लाह से हमारा हो जाएगा 10वां रोज़ा, यानी कि पहला अशराज हो जाएगा मुकम्मल, रहमत का अशरा मुकम्मल हो जाएगा और मगफरत का शुरू हो जाएगा। तो खैर अभी जल्दी से चलते हैं, सैरी वगैरह करते हैं और अभी मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, तकरीबन 2% चार्जिंग है, तो बस सैरी तो नहीं दिखा सकता मैं आप लोगों को, तो आप लोग इंजॉय करो। जिस जिससे मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलती रहे और आने वाले ब्लॉग से जुड़ो। तो अभी ज़्यादा दूर पहले सैरी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बात। A few moments later. सैरी वगैरह तो कर ली गई लेकिन मैं सुबह से नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग ही बिल्कुल नहीं थी, मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हुआ था, तो मैंने चार्ज भी लगाया था। खैर तो अभी मैं पी रहा हूँ चाय क्योंकि मैं सर में इतना को शरीर दर्द अच्छी खासी तो पी भी चुका हूँ। खैर सर में इतना शरीर दर्द हो रहा है, खैर चाय वगैरह पीएंगे, अजान वगैरह होगी तो फिर नमाज वगैरह पढ़ के फिर सोएंगे, सुबह इंस्टीट्यूट जाना है। The next day. तो भाई मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। खैर नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब मैंने पढ़ना है सिपारा पढ़ना है। तकरीबन आज एक अशरा हो जाएगा तो 10 सिपारे तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि मेरे 7 हुए हैं तो 3 और पढ़ना। खैर पहले अशरे में पहला सिपारा यानी कि 10 सिपारे मुकम्मल हो जाएंगे। खैर तो अभी बस जल्दी से चलते सिपारा वगैरह पढ़ते एंड देन फिर उसके बाद जाना है मुझे फ्रूट्स वगैरह लेने क्योंकि फ्रूट्स खत्म हो गए, तो बोले नहीं जाएंगे पहले जल्दी से सिपारा पढ़ते एंड देन फिर निकलते फ्रूट्स लेने। फ्रूट्स वगैरह मैं लेकर आ चुका था और अभी इस वक्त असर का टाइम हो चुका है, मैंने वज़ू वगैरह भी बना लिया है, अजान हो चुकी है, बस अभी सलात होगी तो फिर नमाज़ पढ़ने जाएंगे। खैर पढ़कर आने के बाद मैं करूँगा व्लॉग को एडिट क्योंकि आज मैंने व्लॉग ही एडिट नहीं करा, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी व्लॉग एडिट करने एंड देन फिर उसके बाद उसको अपलोड करके फिर जिम की तैयारी करनी, यानी कि अफ्तारी करनी है फिर जिम की तैयारी करनी। बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे चल रहा है आज का, बस तो अभी लेट्स गो होते हैं, नमाज़ पढ़कर आते हैं एंड देन व्लॉग एडिट। A few moments later. नमाज वगैरह पढ़कर आने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गया था तो मैंने व्लॉग वगैरह एडिट करा और अजान आके मुड़ पर बैठ गया, कह रहे भाई उठ जाओ अफ्तारी का टाइम हो रहा था, क्या कर रहा है? अजान ने रोज़ा नहीं रखा और ये खजूर खा रहा है। क्या कर रहा था? चेक कर रहा था खजूर कैसी है। खैर यहाँ पर मैंने व्लॉग एडिट तो कर दिया, बस उसको अब करना है अपलोड, उसकी हिम्मत नहीं हो रही अपलोड करने की कि अभी थंबनेल भी एडिट करना है ना। अजान नींद आ रही है जी, मैं तार का वक्त हो गया, मगरिब हो रही है यानी कि हो रही है, पानी उठा के गिल में मन दुआ अलैहि कता कर तुआ रिस्की पास्ता तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से फाल किया। उधर तो जबरदस्त जा रहा है और अदान की प्लेट दे रोजेदार से ज्यादा किसने बनाया ये? मैंने बनाया मॉम ने। तारी वगैरह मैं करके फ्री हो चुका हूँ और अभी मैं नमाज़ पढ़कर आया हूँ। खैर अभी जब मैं घर पर आया तो देखा घर पे कोई नहीं क्योंकि अम्मी गई हुई है दरअसल कहीं काम से मुहित के साथ, तो मैंने कहा चलो अब घर पे मैं अकेला हूँ तो गेम वगैरह खेल लेते और व्लॉग अपलोड कर देते क्योंकि व्लॉग मैंने अपलोड नहीं करा है, एडिट तो हो चुका है पर अपलोड नहीं हुआ। खैर मैंने उसको अपलोडिंग पर लगा दिया है, वो अपलोड थोड़ी देर में हो जाएगा जब तक हम खेलेंगे गेम एंड देन फिर जब अम्मी आ जाएंगी तो फिर हम 8-8:30 बजे तक चले जाएंगे जिम, तो फिर आपसे मिलेंगे जिम के अंदर। टाइम हो चुका है अजान को छोड़कर आना दोबारा से मस्जिद,
क्योंकि अदान को जाना तरावी में गोल गोल क्यों घूम रहे हो ए गोल गोल क्यों घूम रहे रे अदान कभी कभार पागल हो जाता है। खैर चलो अब इसको छोड़ते हैं एंड फिर जिम की तैयारी करेंगे। One hour later. So finally, मैं जिम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोकर एकदम फ्रेश होकर। खैर अभी जुनेद के भाई का फोन आया था, वो कह रहा है जुनेद तो नहीं जा रहा है, अब हम तीनों को जाना पड़ेगा। तो खैर अभी वो आ रहा है थोड़ी देर में, तो फिर हम लोग सारे निकलते हैं। जुनेद हो सकता है डायरेक्ट वहीं पहुँच जाए अगर आ गया घर तो, वरना फिर हो सकता है वो छुट्टी करें। दैट्स इट, तो आज देखते हैं कि क्या लगाना है, तो उस हिसाब से जिम में एक्सरसाइज करेंगे। इसको होते हैं और देखते हैं कि बाहर ये लोग आए हैं या नहीं है, वरना फिर फोन करना पड़ेगा। तो जिस जिससे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलती रहे। Two hours later. सुबह आज हम में से कोई भी जिम नहीं गया, और जिम ना जाने की वजह ये थी कि जुनेद था नहीं, और उसके भाई ने मुझे बोला था कि हम चलेंगे, पर जब थोड़ी देर बाद वो आया कि यार मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, और वो भी नहीं गया। घर में अकेले रह के थोड़ी देर बाद वकास आया, तो वकास ने यार डामक डोल हुआ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, 9:30 हो चुके थे। तो उसने कहा यार छोड़ दें, ऐसा करते घर में गेम खेलते हैं। खैर थोड़ी देर बाद जुनेद भी आ गया, फिर हम तीनों ने मिलकर घर में गेम खेला। थोड़ी देर पहले ही फारिग हुए हैं, तो अब हम निकाल चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग ही अपलोड नहीं करा था, तो खैर मैं वो व्लॉग अपलोड करूँगा, तो वो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, लाइक कर दिएगा, कॉमेंट कर दिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा ताकि मज़ा आए। तो खैर जिस जिससे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। Two hours later. तो भाई इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही करता हूँ एंड, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब इस वक्त टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, क्योंकि अगर मैं नहीं सोया तो फिर सैरी में फ्रेश नहीं उठूंगा, और फ्रेश नहीं उठूंगा तो सर में दर्द होगा। दैट्स इट, तो इस वजह से इस व्लॉग में यहीं पर एंड करूँ। होप्स यू लाइक माई व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलती रहे। तो अभी इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।